अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बिल्कुल नए तरीके से आलू बनाना सिखा रहे हैं। चार आलू लिए मीडियम, इनको इस तरीके से काटना है, मोटा मोटा ना, मोटे मोटे चंदे काटने। ये मैंने धो के काट के फिर धो लिए, और ये एक मीडियम प्याज है उसको इस तरह अंडे वाली में काट के उसमें जीरा डाल दिया, और अब मैं हल्दी डाल दूँगी थोड़ी सी। हल्दी को इस तरीके से मिक्स करेंगे, और इसमें बस कुटी मिर्चें डालेंगे जितनी आपको रिक्वायर्ड हो, आप खा सकते हैं भाई कम ज़्यादा जो भी आप खाते हो। ये अब ये नमक आपने हसबे जायका डालना है। ये ब्राउन हो गई थोड़ी प्याज, तो अब इसको हम आलू डाल के मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल नए तरीके से बनाए, वरना मिर्चें तोड़ के बनाते हैं या मसाला पिसा हुआ डालते हैं, तो ये बस इसमें यही चीज़ें डालेंगी। थोड़ा सा मसाला है बिल्कुल, और ऊपर से आपने धनिया गार्निश कर देना है, या हरी मिर्च डालना चाहें वो डाल लें काट के बारीक बारीक। बस इस तरह ये अब ये तैयार हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी। ये मैं अब पानी डाल दूंगी, भुन गया मसाला, बस ये इतना ही पानी डालेगा, और इसको हम ढकना लगा देंगे, और ये 5-7 मिनट में तैयार हो जाएंगे। बस बहुत मज़ेदार बनेंगे, आप पराठे से खाएं, चपाती से खाएं, इसी तरह जिस तरह आपका दिल चाहे आप अपने बॉस को दें। पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे, और मुझे कमेंट में बताया करें कि कैसे लगे आपको मेरी रेसिपी, और ये भी बताया करें कहाँ कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, कौन से शहर से, कौन से मुल्क से, कौन। ये देख लें हमारे आलू पक रहे हैं खदबद खदबद, बल्कि ये देखें जी हमारे आलू पक रहे हैं छनन मनन, खूब मज़े से पक रहे हैं। कह रहे हैं हम छनन मनन पक रहे हैं, हम छनन मनन पक रहे हैं, छनन मनन पक रहे हैं। जब ये छनन मनन पक जाएंगे ना, तो फिर ये अंधेरी कोठरी में चले जाएंगे, यानी के पेट में पराठा। ये जी हमारे आलू तैयार हो गए हैं। अब आपका मसला है कि आप सुखा लें, बिल्कुल खुश खाना पसंद करते हैं, या थोड़ा सा ऑयल तो ये अच्छे लगते हैं। मुझे तो इस तरीके से अब इसमें मैं एक हरी मिर्च काट के डाल दूँगी गार्निश के लिए, और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर, तो बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और ये आप नाश्ते में भी बना सकते हैं, और दोपहर के खाने में भी बना सकते हैं। तो आपको पसंद आए लाइक ज़रूर करना, अपने चलते चलते मुझे बताना भी है कैसे बनेंगे आप घर। और अल्लाह हाफिज़।